नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मौसमी, आपको मौसमी क्विज़िन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे राधा वल्लभी। राधा वल्लभी एक टाइप का पूरी होता है जिसमें स्टफिंग होता है उड़द दाल की। इसके लिए हमने लिया है 1.5 कप मैदा, हींग इस्तेमाल करेंगे, नमक स्वादानुसार इस्तेमाल करेंगे, सौंफ लिया है हमने 1 चम्मच, उड़द दाल लिया है 1 कप, इसको हमने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखे थे, वाइट ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा हमने भाजा मसाला लिया है, इसमें हमने जीरा, धनिया, सूखा मिर्च और साबुत गरम मसाला को थोड़ा सा रोस्ट करके फ्राई करके लिया है, चीनी लिया है हमने, और हमने 1 छोटा चम्मच हम अदरक और 2 हरी मिर्च का पेस्ट करके रखा है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम मैदे का डो लगाएंगे, इसमें हम चीनी देंगे, नमक देंगे हम स्वाद अनुसार, और हम इसमें 2 चम्मच तेल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जिस तरह से हम पूरी का डो बनाते हैं थोड़ा सा सख्त हम डो बना लेंगे। मैदे का डो हमने लगा लिया है, अब इसको हम ढक के रख देंगे। मिक्सी की कंटेनर लिया है, इसमें हम दाल दे देंगे उड़द दाल, और इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में। पीस लिया है, अभी हम पूर बनाएंगे। कढ़ाई को हमने गरम कर लिया है, इसमें 1 चम्मच तेल दे देंगे। अभी हम इसमें सौंफ देंगे, सौंफ को हम थोड़ा सा कूट लिया है, साथ साथ हम हींग देंगे इसमें। हींग हम 1/2 चम्मच की देंगे क्योंकि इसमें हींग का स्मेल ज़्यादा आना चाहिए। अभी हम जो दाल को पीस के रखे वो इसमें दे देंगे। इसके साथ साथ हम अदरक की पेस्ट दे देंगे, चीनी देंगे, नमक देंगे हम स्वाद अनुसार। अब इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला दिया है, अभी जो भाजा मसाला रखे हैं वो इसमें देंगे, इसको भी दाल के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, पूर बनाएंगे। पूर हमने बना लिया है, अभी इसको हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे। तो मैदे का डो है उससे हम बॉल्स बना लेंगे, पूरी से हम थोड़ा सा बड़ा सा बॉल्स बनाएंगे। हमने डो से सारे बॉल्स बना लिया है, पूर हमारा ठंडा हो गया है। अभी हम एक बॉल्स लेंगे, इसमें पूर भरेंगे, इसको इस तरह से हम कटोरी के जैसे बना लेंगे, उसमें हम जो पूर बना के रखे हैं वो इसमें देंगे, इसको मुँह अच्छी तरह से हम बंद कर देंगे, फिर इसको हाथों में लेकर इसे तेज़ से बना देंगे। सारे बॉल्स में हम इसी तरह से पूर भर लेंगे। सारे बॉल्स में हमने पूर भर लिया है, अभी हम राधा वल्लभी को बेलेंगे। बॉल्स लेंगे, इसमें हम सूखा मैदा लेंगे, आप चाहे तो तेल से भी बेल सकते हैं। हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे पूरी की तरह। एक राधा वल्लभी बेल लिया है, इसको प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से हम बाकी का सब बेल लेंगे। बेल लिया है, अभी हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल हमने गरम कर लिया है, इसमें अभी हम फ्राई कर लेंगे। एक राधा वल्लभी को हम इसमें छोड़ेंगे और कलची से हल्का हल्का हम दबाएंगे। जिस तरह से हम पूरी को फ्राई करते हैं उसी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। हल्का हल्का दबाने से हमारा राधा वल्लभी थोड़ा फूल जाएगा, तभी हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे।
अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी का राधा बल्लभ भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गया है, हमने इसको सर्व कर दिया है। राधा बल्लभ के साथ हमने दम आलू को सर्व किया है। आपको अगर दम आलू की रेसिपी जानना है तो कैसे प्याज लहसुन के बिना दम आलू बनाते हैं वो हम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। आपको अगर हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।